नमस्कार, प्रयागी एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। पुलिस वेलफेयर द्वारा शुरू किया गया जिम, कर्मचारियों के साथ शहर के लोग भी हो सकते हैं शामिल। खबर रीवा जिले से है, जहां पुलिस लाइन में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक और जिम का शुभारंभ किया गया है। उक्त जिम का शुभारंभ करने पहुंचे ADG KP वेंकटेश्वर राव, DIG मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और कलेक्टर मनोज पुष्प ने पुलिस कर्मियों को शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहने के लिए जिम महत्वपूर्ण बताया। शुरू की गई जिम के संबंध में बोलते हुए ADG KP वेंकटेश्वर राव ने कहा कि वेलफेयर का मतलब है अनुशासन, और अनुशासन में रहकर शरीर को स्वस्थ रखते हुए पुलिस कर्मचारी अपने ड्यूटी करेंगे। साथ ही पुलिस अधीक्षक को ADG ने बधाई दी। वही पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि जब उन्होंने रीवा का पदभार ग्रहण किया था, तब से ही 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया था। वेलफेयर ओपन जिम के साथ साथ पुलिस कर्मियों के लिए एक ऐसा जिम शुरू किया जाए जिसमें पुलिस और सिविलियन दोनों एक साथ अपने स्वास्थ्य के लिए वर्कआउट करें, इससे दोनों के बीच सामंजस्य बने। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनाते हैं पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा है। आदरणीय ADG सर, उपस्थित DIG सर, कलेक्टर साहब और हमारे पुलिस के सभी साथियों, सर ने जब ज्वाइन किया था तो 2-3 विषयों पर काफी फोकस किया था। उन विषयों में एक विषय था पुलिस वेलफेयर, पुलिस लाइन का उन्नयन और पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर प्रयास। उस क्रम में शुरुआत में ही हम लोगों ने 2-3 महीने के अंदर ही ओपन जिम तो शुरू कर दिया था, पर एक और जिम जो हमारे यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था उसको लगभग 1 महीने पहले पूर्ण कर लिया गया है। और इसका उद्देश्य यह है कि पुलिसकर्मी अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से भी अपने लिए कुछ समय निकालें और आकर यहाँ पर एक्सरसाइज के दौरान पुनः ऊर्जावान होकर अपने काम में पूरी ऊर्जा से लग के सफलता प्राप्त करें। तो सर का पूरा रुझान यह था कि पुलिसकर्मियों का वेलफेयर, उनका स्वास्थ्य, उसको देखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया और उसमें इस जिम को अभी आज उद्घाटन सर के द्वारा किया गया है। हम सर को आशा और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इसमें हमने एक पार्ट और किया है कि पब्लिक को भी हम शामिल कर रहे हैं, जिससे पुलिस पब्लिक रिलेशन इम्प्रूव करने में इस मंच का हम प्रयोग कर सके। सेकेंड पॉइंट, इसमें एक फुल टाइम ट्रेनर भी रख रहे हैं जिससे जो गाइड कर सके हमारे लोगों को राइट डायरेक्शन में, इनको कैसे अपनी एक्सरसाइज करनी है, कैसे फिटनेस इम्प्रूव करनी है। साथ ही साथ हम ये प्रयास करेंगे कि इसमें हर 2-3 महीने में जी महोदय, मिथिलेश और कलेक्टर महोदय, मनोज और हमारे SP कम DIG इन वेटिंग नवनीत और सभी अधिकारी कर्मचारी का तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। एक नया एक नवाचार फिर से एक उन्हें करके दिखाया, वैसा मैंने अनुभव से देखा हूँ, इतने साल से देख रहा हूँ। जो वेलफेयर की और थोड़ा ध्यान देता है तो मैं देखता हूँ वहाँ पे डिसिप्लिन इम्प्रूव होती है। मेरे ख्याल से DA साहब भी इसको मानते हैं, वेलफेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसिप्लिन। तो एज ए पुलिस लीडर्स, जितने भी आप लोग यहाँ वरिष्ठ अधिकारी बैठे, एज ए पुलिस लीडर्स हम लोग तो है डिसिप्लिन बढ़ाना है तो वेलफेयर की भी ध्यान रखना है। हर एक आदमी का व्यक्तिगत रूप से उसकी मेंटल कंडीशन, उसका फिजिकल कंडीशन, उसकी इमोशनल कंडीशन है ना, भी देखना जरूरी है। तो मैं ये पुलिस लाइन में जो पहले भी एक ओपन जिम कलेक्टर साहब ने उसमें हमको ओपन करवाया, मदद किया उसमें, मेरे ख्याल से उसमें महिला है बच्चे सब लोग आते हैं, है ना। और ये भी जो नया बना है इसमें नए लड़के भी डेफिनेटली, रुक जाओ बेटा एक मिनट,